Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. उनको एक ट्रेंड, चंद्रशेखर जब तक एक ट्रेंड में नहीं बनेंगे बदलेंगे तब तक वो कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर सकते देश की राजनीति। लेकिन एक ये तो ठीक है कि संसद में पहुंच गए हैं, एक सीट उनके जीत गए हैं, तो वो आगे असर्ट करेंगे और अपना एक्सपेंशन भी करेंगे। मायावती को रीथिंक करने का मौका दिया। मुझे लगता है कि आकाश की वापसी इसलिए हो पाई क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को जीत मिली। सर मतलब अगर उत्तर प्रदेश की एक इस सवाल को थोड़ा सा और मैं एक सप्लीमेंट्री सवाल लेकर आ रहा हूँ कि अब एक मजबूत मौजूदगी समाजवादी पार्टी की संसद के अंदर है, एक मजबूत मौजूदगी कांग्रेस पार्टी की भी, जहाँ वो आईसीयू में पार्टी थी 6 सांसदों के साथ, अब वो भी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व संसद के अंदर कर रहे होंगे। राहुल गांधी खुद जो नेता विपक्ष हैं सदन में वो रायबरेली के सांसद हैं और मायावती का एक भी सांसद नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ा मंच मायावती के हाथ से जो छूटा है, इसकी कमी उन्हें झेलनी पड़ेगी और इस कमी को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत किसी और ज़मीन पर करनी पड़ेगी उन्हें? बिल्कुल नीरज जी, मुझे लगता है वो आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है और अगर मायावती जी अगर इसको सुनेंगी तो मुझे लगता है आपके प्रश्न से ही उनको उत्तर मिल जाएगा कि ये जो संसद में नहीं होना मतलब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का खोना है, जिसमें आपकी आप जो जनता के सवाल आप संसद में उठाते हैं वो फिर से जनता के पास पहुंचती है। जनता को लगता है कि देखिए हमारा नेता संसद में हमारे लिए ये बोल रहा है, अब संसद में आप रहेंगे ही नहीं तो बोलेंगे क्या। तो ऐसे में यानी एक तो मोबिलाइजेशन मास मूवमेंट मास के यानी बहुजन समाज पार्टी को एक मास मूवमेंट की पार्टी बननी होगी। मास मूवमेंट बनने का पहले का तरीका तो था कि एक कॉन्वेंशनल फिजिकल मूवमेंट्स, फिजिकल मोड ऑफ प्रोटेस्ट, ये सब धरना प्रदर्शन घिराव ये सब, तो ये सब भी इन्वेंट करने होंगे बीएसपी को। लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बीएसपी को इवॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि बहुजन समुदाय सोशल मीडिया पर उस तरह से नहीं है जैसे और समुदाय है, लेकिन आजकल युवा उनके भी उतने ही इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया को जितना और लोग करते हैं, तो वहां पर भी उनको मजबूत होना होगा। और ग्रासरूट लेवल पे जमीन पर बड़े आंदोलन, बड़े प्रोटेस्ट, बड़े जो भी अपना पोजीशन ले उसको जनता के बीच ले जाना होगा। और हर समय सिर्फ बयान दे देने से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा काम होगा, उसको एक्शंस, एक बड़े पॉलिटिकल एक्शंस बीएसपी को लेना होगा रिकवर करने के लिए, क्योंकि अब उनके पास संसद नहीं है, उनके पास सांसद नहीं है, उनको इस तरह का डीके झेक देखना पड़ रहा है। तो एक बहुत ही कहते हैं ना जो इनोवेटिव इंसर्शन की जरूरत है। नहीं बिल्कुल, दलित वोट इंडिया गठबंधन की तरफ जो कि अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है उस तरफ खिसक रहा है। मायावती की अपनी कोशिशें हैं कि वो अपने इस परंपरागत वोट को बचा पाएं, तो यहाँ पर एक तिराहे की एक तीसरी सड़क के तौर पर सामने आते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। पहला तो बेसिक सवाल, चंद्रशेखर आज़ाद की जीत और उनके इस उत्थान को राजनीति के मैदान में उनके इस उत्थान को आप कैसे देखते हैं? देखिए मुझे लगता है चंद्रशेखर आजाद उस वैक्यूम के कारण आए हैं, जो वैक्यूम मायावती के एक्टिव असर्टिव प्रेजेंस के न होने के कारण बनी है दलित राजनीति, उसके कारण उनका उद्भव हो पाया है। तो चंद्रशेखर एक अभी एक ट्रेंड नहीं है, एक व्यक्ति है, अभी भी वो एक पॉलिटिकल ट्रेंड नहीं है। पॉलिटिकल ट्रेंड अभी भी दलित पॉलिटिक्स का मायावती ही है। तो उनको एक ट्रेंड, चंद्रशेखर जब तक एक ट्रेंड में नहीं बनेंगे बदलेंगे तब तक वो कोई बड़ा हस्तक्षेप नहीं कर सकते देश की राजनीति। लेकिन एक ये तो ठीक है कि संसद में पहुंच गए हैं, एक सीट उनके जीत गए हैं, तो वो आगे असर्ट करेंगे और अपना एक्सपेंशन भी करेंगे। अब मायावती को और आकाश आनंद के सामने चुनौती ये होगी, आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो चंद्रशेखर के बेस के तरफ जो दलित यूथ्स माइग्रेट कर रहा है, खास करके खास रीजन में वेस्टर्न यूपी का जो सहारनपुर और ये सब जो पहले बीएसपी का आधार क्षेत्र हुआ करते थे, उन जगहों पर उन युवाओं को अपने की तरफ ले आए, बहुजन समाज पार्टी की तरफ ले आए, ये उनका एक उनके लिए बड़ा चैलेंज है। और चंद्रशेखर आजाद की इस जीत ने मायावती को
रीथिंक करने का मौका दिया। मुझे लगता है कि आकाश की वापसी इसलिए हो पाई क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को जीत मिली। अगर नहीं होते जीते होते चंद्रशेखर आजाद और तो मुझे लगता है थोड़ा और दिन लगाती मायावती और तब आकाश को ले आती। तो सर क्या चंद्रशेखर आजाद अखिलेश यादव के लिए भी एक तरह की चुनौती है, क्योंकि अखिलेश यादव भी एक विकल्प बने, वो दलित वोटर जिसे अपनी आकांक्षाएं मायावती की पार्टी में पूरी होती नहीं नजर आ रही थी, चंद्रशेखर भी एक विकल्प बने जो कि विशुद्ध रूप से अनुसूचित जाति के वोटर की राजनीति कर रहे थे, उनके मुद्दों को उठा रहे थे। तो क्या अखिलेश यादव की जो तथाकथित दलित पॉलिटिक्स है, पीडीए की पॉलिटिक्स है, उसके लिए चंद्रशेखर उनके लिए भी एक चुनौती है? देखिए, चंद्रशेखर के सामने ये प्रश्न इस बात से तय होगा कि चंद्रशेखर के सामने अपनी चुनौतियां क्या हैं। तो चंद्रशेखर के सामने जो अपनी चुनौती है वो चुनौती है कि वो किस तरह से पीडीए से भी अपनी दूरी रखे, बहुजन समाज पार्टी के बेस वोट में इंटर करते जाएं बिना टकराए हुए, बिना मायावती से सीधे टकराए हुए उनमें उनके बेस वोट में घुसते जाएं, और पीडीए से एक दूरी रखे और बीजेपी से तो एक बोरिंग स्थिति बनाए ही हुए हैं वो। तो मुझे लगता है कि ये तीन तब हो जा करके, तो अगर ऐसी स्थिति होगी तब उनको पीडीए से तो टकराना ही होगा, और जब टकराना होगा तो उसी बेस वोट की तरफ हो जाएंगे जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ जा रही है, पासी को मोबिलाइज करने की कोशिश करेंगे, नॉन जाटो दलित वोटर्स को अपनी तरफ ले आने की कोशिश करेंगे। तो वो जब करेंगे तो वो अखिलेश के लिए खतरा के रूप में उभर सकते हैं।